अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए न्यू ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेके आई हूँ, जो कि बहुत सिंपल और क्लासी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग बहुत लो बजट में ईजिली अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत हैवी लेसिस हम लोगों ने इस पर यूज़ नहीं की। अच्छा जी, सबसे पहले हम इस ड्रेस के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने अनस्टिच लिया था टू पीस ओरिएंट से, मतलब सेम डिज़ाइन था इसका, शर्ट और ट्राउज़र का प्रिंटेड था। अच्छा, इसका जो डिज़ाइन था ना वो स्क्रीन प्रिंटेड है, इसीलिए हम लोगों ने जो लेस लगाई ना वो भी हमने डल गोल्डन कलर में लगाई, ताकि इसके प्रिंटेड के साथ अच्छी तरह मैच हो सके। इसका गला भी डबल गला बना हुआ है, पहले हम लोगों ने वी बनाया हुआ है। अच्छा, गला इसका बड़ा कट करना है, वी बड़ा रखना है, दरमियान में लूप्स लगाकर हम लोगों ने बटन लगा दिए हैं। सिला के बटन लगा सकते हैं आप लोग, कोई भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। फिर ऊपर बैन लगाया है, बैन के दोनों तरफ पे हम लोगों ने लेस लगाई हुई है, मतलब अंदर की तरफ पर भी और बाहर की तरफ पर भी लेस लगाई हुई है। अच्छा, ये जब पहना होगा बहुत प्यारा लगेगा, बैन ऊपर आ जाएगा और दोनों साइड से ये मतलब के नज़र आएंगे और नीचे ये वी होगा। स्लीव्स की बात करेंगे तो स्लीव्स भी हम लोगों ने इसी तरह लेस लगाई है, बेल बॉटम स्लीव्स हैं इसके, फुल स्लीव्स हैं। और पीछे हम लोगों ने गोटी की तीन तीन लाइनें लगा दी हैं, जो कि बहुत प्यारी लग रही हैं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था ना वो स्क्रीन प्रिंट था और गोटी जो स्क्रीन प्रिंट के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है और बहुत अच्छी भी लगती है। ये इसके दामन का डिज़ाइन है, दामन पे भी हम लोगों ने उसी तरह जिस तरह स्लीव्स पे नीचे लेस लगाई हुई है और ऊपर हम लोगों ने तीन लाइनें लगा दी हैं गोटी की। अच्छा, थोड़ा सा ये फासले पे लगाना है, पहले लेस को अच्छी तरह लगा के फिर ऊपर थोड़ा सा हट के हम लोगों ने तीन लाइनें डोरी की लगा दी हैं। अच्छा, इसका दामन का ना हल्का सा कट जो है ना वो ए लाइन शेप में है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अमूमन जो लंबी शर्ट्स होती हैं उनके साथ ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगता है। चॉक्स की बात करें तो चॉक्स भी हम लोगों ने ये अंदर की तरफ जो फैशन पट्टी लगाते हैं हम लोगों ने वो लगाई हुई है। अच्छा, ये जो कपड़ा आपको नज़र आ रहा है अंदर की, इसके साथ ही था और इसी को हम लोगों ने अंदर की तरफ लगा दिया है। ये इसका बैक साइड की तरफ से गला है, पीछे से देखिए काफ़ी चौड़ाई में इसका गला बना हुआ है, फिर इसकी अच्छी शेप आएगी, वरना इसकी अच्छी शेप नहीं आएगी। और अच्छा, यहाँ आप हुक भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने मतलब अपनी गर्दन के हिसाब से एडजस्ट करके हम लोगों ने इसको फिक्स टांगा लगा दिया है। ये इसके दामन, दामन है बैक साइड का सेम, इसी तरह लेस लगा कर ऊपर हम लोगों ने तीन लाइनें डोरी की लगाई हुई हैं। ये इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र हम लोगों ने सिंपल इसका ट्राउज़र जो स्ट्रेट का ट्राउज़र होता है वो हमने स्टिच किया, अंदर की तरफ हमने थोड़ी सी चौड़ाई में तरपाई की है क्योंकि वो अच्छी लगती है। दुपट्टा इसका हमने नेट का बनाया है और दुपट्टा हम लोगों ने मैरून नहीं डाई करवाया, क्योंकि फिर सारा ही ड्रेस मैरून हो जाना था, इसलिए हम लोगों ने गोल्डन डाई करवा कर चारों तरफ पर ये शटल की लेस लगा दी है मैरून कलर में। अच्छा जी, ये हमारा सेकंड ड्रेस है, ये हम लोगों ने सफ़ायर से लिया था, सफ़ायर से थ्री पीस कलेक्शन में से। दुपट्टा इसके साथ सिल्क है और ये प्रिंटेड शर्ट है। अच्छा, इसके कलर बहुत वाइब्रेंट और बहुत प्यारे कलर्स हैं इसके, बहुत प्यारा कम्बिनेशन है। गले की बात करेंगे तो गला सिंपल गोल गला है, नीचे हम लोगों ने भट्टी सिंपल इसी प्रिंट की बनाई हुई है और साइड पे हम लोगों ने एक साइड पे हम लोगों ने ये लेस लगा दी है। लेस कुछ डोरी टाइप लेस है, उसके ऊपर तिल्ला भी है और सीक्वेंस वर्क भी है, क्योंकि ब्राइट कलर्स पर ना इस तरह की लेसेस अच्छी लगती हैं। भट्टी पर हम लोगों ने ये एक मिरर लगाया और ऊपर तीन बटन लगा दिए, सॉरी तीन पल्स लगा दिए हैं, जो सबसे छोटा साइज़ होता है ना उनका। नीचे हम लोगों ने डार्क ग्रीन कलर के हम लोगों ने ये टसल्स बना के लगाए। अच्छा, इसकी जो ना डिटेल वीडियो मेरी चैनल पे है, आप लोग अगर इंटरेस्ट हुआ तो जाके देख सकते हैं। ये इसके स्लीव्स का डिज़ाइन है, स्लीव्स इसके ऊपर से कुर्ता कट स्लीव्स हैं और आगे से बेल बॉटम है। ये बॉर्डर था इसके साथ, वही हमने आगे अटैच किया और हमने कुछ नहीं अटैच किया, और आगे हम लोगों ने ये लेस लगा दिया जो हम लोगों ने गले पे यूज़ की है, सेम हम लोगों ने। अच्छा, इसके जो स्लीव्स आगे से है ना वो थोड़े से लूज स्लीव्स हैं, जिस तरह कुर्ता कट के होते हैं, अंदर सिंपल बखिया हम लोगों ने लगाया हुआ है। दामन के डिज़ाइन की बात करेंगे तो दामन पे सिंपली हम लोगों ने बॉर्डर अटैच किया था जो इसके साथ था, जो हमने स्लीव्स पे अटैच किया, नीचे हम लोगों ने वही डोरी लगाई है। अच्छा, यहाँ हमने ये वाली डोरी लगाई है जो बिल्कुल बारीक है और इसमें सारे कलर्स हैं, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है, शॉकिंग भी है। ये वाली डोरी आप लोगों को ईजिली गोटे वाली शॉप से मिल जाती है, जहाँ से गोटे की चीज़ें मिलती हैं ना वहाँ से। ये हाफ़ हमने अंदर की तरफ करनी है और हाफ़ ही हम लोगों ने बाहर विजिबल करनी है। अंदर के साइड पर सिंपली हम लोगों ने तरपाई वगैरह की हुई है।
ये है इसके साथ दुपट्टा। दुपट्टा इसका जो बहुत अच्छे वाली प्योर होती है, सर पे टिकने वाली होती है ना, उस प्योर से लगा ये दुपट्टा है। और बहुत प्यारे कलर्स कॉम्बिनेशन है दुपट्टे के, चारों साइड पे ये ग्रीन कलर का बॉर्डर है। अंदर हम लोगों ने ये बेज कलर की शमोज लगाई हुई है ताकि दुपट्टा थोड़ा सा हैवी भी लगे और इससे अच्छी भी लुक दुपट्टे की आती है। चारों साइड पर हम लोगों ने बहुत प्यारे टसल्स बनाकर लगाए हैं। अच्छा, ये जो टसल्स हम लोगों ने बनाकर लगाए हैं ना, ये इजीली बाज़ार से लेस मिल जाती है। इसको हम फीदर लेस कहते हैं, मतलब परों वाली लेस कहते हैं। ऊपर ये छोटा मोती है, नीचे फिर ये मोती है। फिर हम लोगों ने इस लेस को राउंड शेप करके फोल्ड करके हम लोगों ने इसको चारों कोनों पे लगा दिया, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये लकीली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी मिल गया था लेस का, जिसमें सारे कलर्स थे दुपट्टे के। इसके साथ सिंपली हम लोगों ने शलवार स्टिच की है। यह है जी हमारा थर्ड ड्रेस। ये हम लोगों ने निशात से लिया था। ये निशात का टू पीस ड्रेस था जो एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, सिर्फ गले पे एम्ब्रॉयडरी थी। अच्छा, जो गले में कलर्स यूज़ हुए ना, उन्हीं कलर्स की हम लोगों ने ये पाइपिंग की हुई है, बोर्ड पाइपिंग की है, क्योंकि गले पे और कुछ भी नहीं हो सकता था, एम्ब्रॉयडर्ड था, इसीलिए सिर्फ हम लोगों ने बोर्ड पाइपिंग कर दी है। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी ना, वो बहुत फाइन एम्ब्रॉयडरी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, ये इसके दामन का डिज़ाइन है। दामन के डिज़ाइन को हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए सबसे नीचे पहले ये नीचे ये लेस लगाई है मेरून कलर में। ये ज़ीरो साइज़ में नहीं है, थोड़ा सा मिड साइज़ है। ये बहुत प्यारी लगती है। ऊपर हम लोगों ने ये शमोज़ की पट्टियाँ लगाई हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने मेरून कलर के स्टिचेस लगा दी हैं। जो भी आप लोग धागा यूज़ कर रहे हो ना, मतलब कि स्टिचिंग के लिए, उन्हीं स्टिचेस के हम लोगों ने इसकी लाइनें लगाई हैं। फिर हम लोगों ने ऊपर एक प्लेट डालकर, और इसके साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच था स्लीव्स पर लगाने के लिए, इसको हमने दामन पे भी यूज़ किया है, वो हम लोगों ने लगाया है, और गेंजा पे था। और दरमियान दोनों साइड पे हम लोगों ने ये पट्टियाँ लगाकर ऊपर मेरून स्टिचेस लगाए हैं। ऊपर फिर हम लोगों ने एक प्लेट डाल दिया और ये बहुत प्यारा दामन बन गया था, बिल्कुल एक बॉर्डर की तरह बन गया था। साइडों पर हम लोगों ने चौकस पर सिंपली ये शमोज पाइपिंग लगाई थी, अंदर की तरफ जो सिंपली तरपाई करते हैं उसी तरह हम लोगों ने लगाया था। अच्छा, स्लीव्स भी इसके बिल्कुल प्लेन थे, एम्ब्रॉयडर्ड पैच इन्होंने इसीलिए दिया था ताकि आप लोग अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग कर सके। स्लीव्स पे भी हम लोगों ने सेम दामन वाली डिज़ाइनिंग की है, नीचे लेस लगाई है पट्टियाँ लगाकर, और दरमियान में हम लोगों ने इस पैच को अटैच किया हुआ है। स्लीव्स इसके कुर्ता कट में स्लीव्स हैं, आगे से लूज़ हैं। अच्छा, ये इसकी बैक साइड वाला गला है, क्योंकि आगे वाला जो गला था ना, वो एम्ब्रॉयडर्ड था और वो काफ़ी छोटा था, इसीलिए पीछे हम लोगों ने ये कट रख कर एक लूप्स लगा कर हम लोगों ने इसको बटन लगा दिया ताकि इसीलिए पहना जा सके। पीछे के लिए जो पैच था वो नहीं बचा था, इसीलिए हम लोगों ने ये लेस लगा कर और ऊपर दो प्लेट डालकर हम लोगों ने पीछे हल्का सा बॉर्डर बना दिया था। ये इसके साथ दुपट्टा हम लोगों ने नेट का लिया था मैरून कलर में, और ये मैरून लेस लगाकर और चारों साइड पे हम लोगों ने ये शमोस की एक पट्टी अटैच की हुई थी, उसी के ऊपर हम लोगों ने लेस को लगाया ताकि थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो सके। ये चारों साइड पे हम लोगों ने लगाई थी, ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल हल्का फुल्का सा और बहुत प्यारा लग रहा था। और बाकी इसके साथ सिंपली हम लोगों ने ये शलवार स्टिच की है। ये थे हमारे आज के ड्रेसेस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।